हाँ जी, अज थानू सारयां नू बेनती करके बुलाया गया है। कल हिंदुस्तान दी पार्लीमेंट दा सैशन है। मानयोग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया संबोधन करनगे। श्रोमणी अकाली दल उस च नहीं जाएगा, बाइकाट करेगा। उहदा कारण की है कि श्रोमणी अकाली दल सारे हिंदुस्तान पता है कि किसानां दी पार्टी है और हमेशा किसान दे हित वास्ते खड़ी रही है। हुण किसान इन्नी देर तो एजिटेशन कर रहे सारे हिंदुस्तान दा, हिंदुस्तान दे कोने कोने च मुजाहरे धरने हो रहे हैं, हड़तालां हो रही हैं, देश बंद हो रहे हैं, लेकिन उसकी गल दी कोई सुनवाई अजे तक नहीं हुई। सो इस करके असीं समझदे हां कि फिर प्रेजिडेंट रेस जाण दा ते उस देश तों असीं सुनवाई नहीं किसान दी, तां साडा उत्थे कोई जाण दा फर्ज़ नहीं बणदा। इस कारण करके असीं बाइकाट कर रहे हां ते कल दा जिहड़ा हैगा उहदा कारण मेजर इह है। अज इह वी सारे देशवासियों नूं पता है कि अंग्रेज़ वेले तों लै के सर छोटू राम, फिर चौधरी चरण सिंह, उस तो बाद सा प्रकाश सिंह बादल किसानों का सब तो वड्डा हिंदुस्तान च लीडर गिणिया जाता है। तो इस करके जिस पार्टी का सरप्रस्त आ प्रकाश सिंह बादल है, जो सरबत का भला करने वाली पार्टी है ते किसानी वास्ते सारी जिंदगी लड़ी है, ते अज किसान ते संकट होवे तां साडा उत्थे जाना जायज़ नहीं। इस करके असीं ये सारा थानू अज बुलाया गया मेजर पॉइंट इस वास्ते सद्या गया। हुण इस तों बाद तुसीं अग्गे गल करनी चाहुंदे नहीं? असीं सारी गल अज जिवें भुंदड़ साहब ने कहा ना कि कल जिहड़ा प्रेजिडेंशियल एड्रेस आ, श्रोमणी अकाली दल कला ही नहीं बाइकाट करेगा, बल्कि देश दीआं जिहड़ियां हमख्याल पार्टियां ते खेतरी पार्टियां ने असीं उहनां नाल वी राबता कायम कीता। अज आ के अपने गुजराल साहब, भुंदड़ साहब, मेरी ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ TMC ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, DMK ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ, ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ, ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ।
सरकार का सारा टिलता जोर इस संघर्ष के हल कढ़न ते नहीं बल्कि इस संघर्ष को बदनाम करने लग्या होया। ये असी श्रोमणी अकाली दल स्पष्ट करना चाहता कि यह संघर्ष जिहड़ा किसी ना एक खिते नाल संबंधित आ ना किसी एक धर्म नाल संबंधित आ ना किसी एक जात नाल संबंधित आ। यह संघर्ष हुण आवाम का संघर्ष बन गया। यह संघर्ष के नाल देश का हर वर्ग हर खिता जुड़िया होया। भारत सरकार नूं असीं अपील करना चाहते हैं कि इसकी असलीयत नूं समझे इनू गंभीरता नाल लवे। श्रोमणी अकाली दल चिंतित है इस गल ते कि जिस पासे नूं देश बढ़ रहा जिस तरह के हालात बनाए जा रहे ने अपनी जिद पकाउण लई देश के अन्नदाता जिहड़ा किसान आ उहनूं मतलब बिल्कुल उहदी परवाह नहीं की जा रही। ये एक किस्म की खतरे की घंटी आ देश के विकास लई देश के लोकराजी सिस्टम लई भारत सरकार नूं इहनूं गंभीरता नाल लैण की लोड़ आ। और असी कोशिश की आ कि देश दीआं हमख्याल पार्टियां खेतरी पार्टियां एक मंच ते इकट्ठियां हो के एक जुड़ता ते एक मुठता दा इजहार करके भारत सरकार नूं एहसास कराउण कि अज समां अज मौका कि हुण उह जिद ना फड़े। हुण उह जिद दे विच ते हठ रख के जिस तरह रिएक्ट करना चाहुंदी आ उह भी चंगी गल नहीं है। आ हुणे हुण खबरां आ रहियां ने जिस तरह नजायज़ केस बनाए जा रहे ने जिस तरह ड्राबे धमकियां दित्तियां जा रहियां ने ये देश के शांत ते अमन वाले सद्भावना वाले माहौल नूं खराब करन दे राह ते तुरी पई आ सरकार। असीं चाहुंदे आ कि देश दे विच अमन भाईचारा सद्भावना बनी रहे और विधानक तरीके नाल कानूनी तरीके नाल लोकां नूं मिलदे हक दिते जाण और लोकां दे जिहड़े इस तरह के गैर विधानक कानून बने ने वह कानून रद्द किए जाते गलबात का राह अपनाया जाए। जिहड़ा ये डेडलॉक तैयार करता जी जिदे एक कड़त्तर बधेगी जे सरकार जिद करेगी जे सरकार हठ रखेगी जे सरकार ने अपना इस तरह का सख्त बर्ताव किया तो मैं समझता ये एक देश के सुखावे तो शांतमई माहौल में अपने आप खराब करने वाला होएगा। इस करके असी ताड़ना करते हैं सरकार नूं कि वो इस राह ते ना चले बल्कि एमीकेबली लॉजिकली और सद्भावना दे नाल मतलब ये मसले का हल कढ़े। श्रोमणी अकाली दल हमेशा शांतमई जमहूरी तरीके लंबिया जदोजहदा करके जित हासिल करता रहा और असी अज मीडिया राही स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल किसानां दे नाल है रहेगा और किसानां दे संघर्ष नूं पूरी सपोर्ट करेगा और किसानां दे संघर्ष दे जित तक लिजाउण विच पूरा सहयोग देवेगा। और सरकार नूं असी जरूर कहना चाहते हैं कि वह जमहूरी तरीके सद्भावना का माहौल पैदा करे और कड़त्तर ते विवाद ते टकराव का राह त्यागे। इस करके असी राष्ट्रपति जी के भाषण का बाईकाट करके ये सुनेहा देना चाहते हैं कि सरकार अज भी मौके की वक्त की नजाकत को समझे तो कानून के मुताबक विधान के मुताबक लोगों के बनते हक दे। देखो गल ये आ जो माहौल पैदा होया उ जिस तरह की गल हुई मैं गल कहनी चाहना श्रोमणी अकाली दल बड़ा स्पष्ट आ कि सरकार वालों जरा 26 तरीक की गणतंत्र दिवस से किसान परेड सी जी वैसे तो जे जहाज़ों का प्रदर्शन मिजाइलों का प्रदर्शन टैंकों का प्रदर्शन फौजा का प्रदर्शन विकास दियाँ झलकियाँ गणतंत्र दिवस से दिखाई जा सकदियाँ तो खेतों के राजे ट्रैक्टर का आंदा तो किसान गणतंत्र दिवस से भी अपना प्रदर्शन करने का हक रखता सी। पर सरकार ने मतलब सरकार प्रशासन ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये आग्ञा देने दे पहला देरी की फिर तयशुदा रूट तय करने देरी की। यह जिहड़ा भंबल भूसा बनया रहा किसानों के किसान जथेबंदियों प्रशासन के सरकार इन्हें सारे हालात इस पासे नूं धाके लै गए जिहड़े मंदभागे हालात वापरे ने। मैं समझदा अगे नूं इहो जिहे हालात ना वापरन सरकार नूं जरूर ध्यान देण दी लोड़ आ। वो तो जिस तरह ओडर साहब ने तो चंदू माजरा जी ने कहा कि असीं बाइकआउट कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुहानूं याद करवाना चाहना कि जिस वेले ऑर्डिनेंस आया सी कैबिनेट विच उस वेले भी
असी आपत्ति जाहिर की सी कैबिनेट के अंदर हरसिमरत कौर बादल ने, तो उस वेले सानू आश्वासन दिता गया सी कि बिल बनाने तो पहले सानू कंसल्ट किया जाएगा, लेकिन कोई उदे बाद कोई किसी तरह की कंसल्टेशन नहीं हुई। हरसिमरत कौर ने बहुत कोशिश की अमित शाह नाल मीटिंग करन दी ताकि इस मुद्दे नू हूँ मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद, लेकिन जिस वेले ऑर्डिनेंस आया तो जब बिल आया पार्लियामेंट के अंदर उस दौरान बहुत बार कोशिश की कि मीटिंग करके असी डिस्कस कर लीए, लेकिन कोई साढ़े कोई कम बैक नहीं होया। सडनली पार्लियामेंट में यह बिल आया, असी सारे ने उसी दिन बिल देखा जिस दिन आया, किसी ने यह बिल नहीं वेख्या सी। हाँ ठीक है, उस तो पहले असी सरकार छड़ चुके सी, लेकिन उस वेले भी मैं भी पार्लियामेंट में क्या, उस तो पहले लोकसभा में बादल साहब ने किया कि तुहानू जल्दी की है, तुसी सिलेक्ट कमेटी नू भेजो ताकि सारे स्टेक होल्डरस नू कंसल्ट किया जाए, उन्हां दी जिहड़ी आपत्तियां ने वो सुनो, जो प्रॉब्लम तुहाडे सामने लैके आएंगे उहदा कोई हल कढ़िया जाए। तो एक गल जाहिर हो गई है हुण, जिस वेले सरकार ने किया है कि डेढ़ साल असी इस नू पोस्टपोन करने आ या इनू स्टे करने आ, इहदा मतलब कोई जल्दी नहीं सी, पर क्यों जल्दी उस वेले की गई किसी को समझ नहीं आई। तुहानू तुसीं सब ने वेख्या राज्यसभा में जिहड़े सीन्स होए किस तरह पास होया, बड़े दुख की गल है कि डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तजियां उड़ाइया गई उस दिन। असी इस दे खिलाफ हाँ, असी चाहते हाँ हर चीज़ पीसफुल होवे, असी वायलेंस नू कंडेम करने हाँ, सिखां दी कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश विच बहुत ज़्यादा है, सब जानते हैं, भावें आज़ादी का जंग सी भावें एमरजेंसी सी, उदे बाद भी जिस जिस वेले देश नू कोई आपत्ति आई है सब तो अगे सिख कौम आके खड़ी हुई है। तुसी पेंडेमिक विच देखिया है कितनी सेवा की है इस कौम ने, सारी दुनिया में तारीफ हो रही है, तो अफसोस की गल है कि बार बार एहो जे लोग जिहड़े लोग संघ परिवार नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने बार बार टीवी ते कहने की कोशिश की कि एंटी नैशनल ने, नैक्सलाइट ने, खालिस्तानी ने इस कौम नू बदनाम करने की जिहड़ी कोशिश की। असी मैं परसनली खासकर पर सारी कौम नाराज़ है इस गल ते, सारा देश नाराज़ है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी नू फख्र है इस कौम के उत्ते, तो जिस तरह इन्होंने एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की उन्हूं असी कंडेम करने हैं। देखो इहदी डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए है, जिहड़ा भी कल्प्रिट है उन्हूं सख्त तो सख्त सज़ा देनी चाहिए है। जिस तरह मैं क्या असी अकाली दल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की पूरी इज्जत करता है, कोई ऐसा कोई भी शख्स होवे किसी भी कम्यूनिटी का होवे जिहड़ा एहो जे काम करता है, वो किसी भी पार्टी का होवे पार्टी तो उठ के देख वेखना चाहिए है, तो उन्होंने पनिशमेंट पूरी मिलनी चाहिए है। पूरी इंक्वायरी पहले होगी फाइनल यह है जो निचोड़ है कि जो होया बहुत माड़ा होया, पर ये नाल जरूरी है कि यदि पूरे जोर नाल यदि इनक्वायरी की जाए कि क्यों होया, की कारण सी, कौन बंदे सी, किस दी जिम्मेवारी है, यदि पूरी इनक्वायरी होनी चाहिए। जितों तक श्रोमणी अकाली दल का तलकात है, श्रोमणी अकाली दल अंग्रेज़ वेले भी इस देश वास्ते लड़िया, मुगल नाल भी इस देश वास्ते लड़िया, अज जे बार्डर चीन नाल जंग है तां भी लड़िया, पाकिस्तान नाल जंग है तां भी लड़िया, जलियांवाले बाग दे साके होए तां लड़िया, अन्न दी लोड़ सी देश वास्ते तां खड़ा है, अज एडी वड्डी बीमारी सी दुनिया घरे बड़ी खड़ी सी, सारे हिंदुस्तान च लंगर इसने लाए, कोई कौम नूं तकलीफ होवे अगे होके जाके लड़दे ने, लेकिन दुख है कि घटनावां होईआं क्यों, इहदे कारण की ने, जदों दो तरह सुलह हो गई सी तो उसनूं किसने तोड़िया, वो कौन बंदे सी जो करन वाले सी, दुनिया ने इहनूं कंडेम करता, सारिया पार्टियां कंडेम कर रही, असी जोर नाल कंडेम कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बहुत माड़ा होया, बड़ा दुख है सानू, असी भी देशवासी हैं, साढ़े प्यो दादा ने वास्ते कुर्बानियां कीतियां,
असी खुद एमरजेंसी दी जेलां कट्टियां ने, असी आप हल वाह के अन्न वाह के इस देश नूं दित्ता होया, अज भी किसान आ। दुख है सानू, असी उस दुख नूं बयान नहीं कर सकते, लेकिन सानू ये भी दुख है कि एड्डी वड्डी कुर्बानी वाली कौम नूं एक सकिंट च खालिस्तानी। कोई बंदा एक गलती करता है, अज जिस वेले महात्मा गांधी का मर्डर होया, इंदिरा गांधी का मर्डर होया, वो सारी कौम उहदी जिम्मेवार हो गई सी। ये होया कि नहीं होया दसो, किने कीता सी महात्मा गांधी का, किने कीता सी इंदिरा गांधी का, उदो कौन जिम्मेवार है? हर चीज़ सिख दे सिर लाई जा रही है। इस करके ये बड़ी इनकुआरी की लोड़ है, तो असी सारे देश को अपील करना चाहते, देशवासियों जिहड़े लोग बोलते हैं कि कुर्बानी वाली कौम को बदनाम ना करो, ये देश की राखी है, भावें बार्डर है तो भावें अन्न दा ढिड भी भरन वाला है, बार्डर से राखी करने वाला भी अज भी उत्थे चीन की बार्डर से पाकिस्तान की बार्डर से सब तो वध कुर्बानियां हो रही देख रहे। इस करके मैं कहना चाहना कि असी अमन के मदई हैं, असी आपके गुरुआ के फॉलोअर, उन्होंने रस्ते चलना सरबत के भले वाले। इतने जो सुझा है वो साड़ी बजाय जिन्होंने मोर्चा शुरू किया जिन्होंने अगर संभाल लिया दोनों की जिम्मेवारी है कि दोनों इन मिलकर किम कंट्रोल करना। ज़्यादा जिम्मेवारी हमेशा जिसके को ताकत होंगी है सेंटर गवर्नमेंट की है कि असी इस किमें हल करना। जिहड़ी गल असी कहते रहे जो गुजराल जी ने कहा, मैं उन्होंने थोड़ा जहा अगे बधाउना कि असी गुजराल जी, चंदू माजरा जी, मैं भी सी प्रधान जी के नाल जाके सत सुखबीर सिंह बादल जी के, असी तीन मीटिंगा उस तो पहला भी कीतियां इजलास वेले कैबिनेट के बिल आने तो पहला कि हूँ लास्ट टाइम आ गया, मन नहीं रहे ना बधाओ गलू, तुसी किसान यूनियन सद के हल कर लो, उन्होंने बुला लो, बुला के हल कर लो। अज सुप्रीम कोर्ट ने भी रोकता, अज डेढ़ साल इन्होंने भी रोकने का कहता, कलाज बाई कलाज अज सारी जे गल उस वे हो जाए तो अज इतने क्यों आदि गल। असीं पहले ही स्पष्ट करता कि सरकार नूं जिद करके और सख्ती का वर्ताव करके एक सारी स्थिति नूं उलझाना नहीं चाहिए, सुलझाना चाहिए। सरकार नूं पहला ये जवाब दवे तुसीं कही गल जिहड़ी भी जिहड़े कानूनां नूं इंप्लीमेंटेशन करते रोक लग गई, जिहड़े कानून लागू ही नहीं हो सकते वो कानूनों नूं कायम रखने क्यों जिद कर रही है सरकार। सरकार नूं बल्कि सर्वोच्च अदालत के फैसले नूं सत्कार दिंदिया जिथे कानूनों ते लागू करन ते रोक आ उत्थे कानून रद्द करके मतलब सखावा माहौल बना के डेडलॉक तोड़ के बात गलबात राही मसला हल कर लेना चाहिए, ना कि होर गुंझलदार बनाया जाए। जिस तरीके गाजीपुर या गल करिए सिंघू से भी खबर आ रही है, सिंघू भी राशन की सप्लाई बंद की जा रही है, गाजीपुर पानी ते बिजली बंद करने की गल आ रही है, देखो साडा असीं बड़े स्पष्ट हाँ। इस करके असीं कल प्रेजिडेंशियल एड्रेस का भी बाइकाट कर रहे हैं कि सरकार नूं इस देश के विधान कानून विच रह के शांतमई तरीके दलील राही मसला सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। सरकार जे इस सख्ती करेगी जिद दे विच कोई रिएक्ट करेगी तो मसला होर उलझेगा, मसला होर लमकेगा, देश दियां निगाह इस सारे आवाम के संघर्ष वाल लगिया हुई, इनू जल्दी तो जल्दी का निपटारा करते असी हक चा। जे सरकार ने इस तरह का एक्शन रिएक्शन करती रही, सख्त वर्ताव करती रही, मसले को उलझाती रही तो देश का नुकसान आ, देश के हित च नहीं किसी तरह। मैं समझदा कि अज जिहड़े भी लोग एक दूजे ते दूषणबाजी करते ने इन्हां नूं अपनियां राजसी रोटियां सेकण तों ग्रेज करना चाहिए। असीं भी बथेरियां सबूत दे सकते हैं कि आप वाले की खेडां खेडदे रहे हैं ये सारे संघर्ष, पर असीं नहीं चाहते कि इहो जिहे समें असीं कोई राजसी विरोधताइयां दे विच अपनियां रोटियां सेकीए। तो अज लोड़ आ किसानां दे मसले नूं हल कराउण दी, एक दूजे ते चिक्कड़ उछाल के एक दूजे ते तूंतबाजी करके अपनियां राजसी रोटियां सेकण दी दौड़ विच कोई पार्टी ना लगे, बल्कि किसानां दे संघर्ष दे विच श्रोमणी अकाली दल जिवें मिलवर्तन दे के सहयोग दे के कोशिश कर रहा कि सफलता वल जाए संघर्ष, सारियां पार्टियां नूं उसे तरह का सहयोग देना चाहिए। और असीं धन्नवाद भी करते हैं बहुत सारिया देश दियां पार्टियां जिहड़ियां हमख्याल पार्टियां ने, खेतरी पार्टियां ने, जिन्हां ने साडी इस गल नूं मन्निया कि अज लोड़ आ एकजुटता ते एकमुटता दी।
अज लोड़ है देश के लड़खड़ा रहे लोकराजी सिस्टम के विरोध के उठन की। कल जरा राष्ट्रपति जी के भाषण के जो असं चाहते सी कि सानू बाईकाट करना चाहिए, बहुत सारिया पार्टियां उसे सहयोग दे रही ने, असं धन्यवाद करते हैं। है जी साढ़े वालों बहुत अजय गिनती हो संपर्क मैक्सीम पार्टियां हो गई जी। देखो मेरी बेनती है कि जो चंदू बाजवा ने कहा मैं दोबारा वो लाइन दोहराना कि सानू आज एक दूजे के खिलाफ पॉलिटिकल दोष लाने की बजाय सानू मसले के हल वल अगे बढ़ना चाहिए। ये हिंदुस्तान के कामे का मसला है, मजदूर का मसला है, किसी सरमाएदार का मसला नहीं। नंबर एक, नंबर दो फोटो दिखाउणी, फोटो जिसकी जिस नाल दिखाउणी, जिहड़ी फोटो सुखबीर सिंह बादल नाल दिखा रहे हैं वो फोटो तो माफ करना हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर नाल भी है, वो तो जे मैं कहा उस तो अगे भी है। फोटो किसी लोक राज आप इन्ने बंदे खड़े हैं, इन्हें च 20 बंदे होर आ जाण, डेमोक्रेसी है जो शांति नाल इत्थे खड़दे ना, पर पता कौन कौन आके खड़ गया, किहदी फोटो थोड़े नाल होई, किहदी मेरे नाल हो गई। पोलीटिकल सिस्टम के अज के सिस्टम फोटो उत्थे खड़ा बंदा इत्थे नाल भी जोड़ दिंदा। इस करके मैं तो प्यार नाल यही कहांगा, ठीक है साडी पार्टी का बंदा सी, अज भी मैं सत्कार करदा, मैं कदे जाति किसी के खिलाफ ना बोलिया ना बोलांगा, लेकिन मैं उन्होंने यही कहना चाहना कि अज देश ते एक बड़ा बड़ा मसला है, उस मसले च तुसी सियासी रोटियां ना सेको, भावें आप वाले कह रहे हैं भावें कोई होर कह रहा है, मैं सब नूं कहना कि इस मसले के हल वल चलो, देश का भला इस च है, इस देश का भला है, हिंदुस्तान का किसान है। अज कल्ला पंजाब महाराष्ट्र की हो रहा है, कर्नाटक की हो रहा है, बंगलौर की हो रहा है, अज उत्थे बंगाल च मता पै रहा, उल्टा उत्थे की हो रहा है, किहड़े सूबे च नहीं एजुकेशन चल रही, हिंदुस्तान का बंद होया कित्थे नहीं होया सारा। इस करके ये सानू सियासत की बजाय सानू ये देश के कामे का मजदूर का किसान का मसला है उन्होंने हल करने वाले कहाँ जाना चाहिए। जिथों तक ये गल होया कल यूनियन ने भी माफ़ी मंगी है, असं भी कहने कि बहुत माड़ी गल हुई है, नहीं होनी चाहिए सी, ये देश साडा, इस देश वास्ते असी कुर्बानियां कीतियां ते करदे रहांगे, इहदे नाल नहीं कि जे कोई गल हो जाती उहदे नाल असी है, ये साडा देश है। ओके जी, थैंक यू।